तीन तीन बच्चों को संभालना, बच्चों की मॉम कैसे करती है, इनको हैट्स ऑफ है। वो चली जाती है 7 बजे तक, है हाँ ठीक है, बच्चे उड़ जाते हैं तभी, हाँ है कभी कभी दोनों उठ जाते हैं और एक उठता है एक के बाद एक उठता है। जीतू आती है 10 बजे या 10:20, 10:15, 10:10 ऐसे आती है। सोचो दोनों को मैं तब तक संभालती हूँ जब तक जीतू आती है ना, मैं सुला चुकी होती हूँ दोनों को पता है अच्छे मेरे से। को, पता है मेरे। फ्रेंड्स कैसे आप सब, होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और अभी सुबह हो चुकी है, आप देख ही रहे होंगे। और ये हमारी मैडम सबसे पहले उठती है, जिसको मैं सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट नींद गिनती दे देती हूँ। और मैं पी रही हूँ किचन में दूध, इसको गोद में ले गई क्योंकि ये रुक नहीं रही है बिस्तर में, है ना रुक रही हो, रुक रही हो, हाई करो सर, हाई कर दो, हाई कर दो। और गाइस मैंने इसकी ड्रेस चेंज की है सुबह सुबह क्योंकि इसमें डायपर लीक हो गया था, तो मैंने सोचा पजामे ही कर रही हूँ तो साथ के साथ मैं इसका पूरा ही गेटअप चेंज कर देती हूँ। और इसने अपना पहना है बाना बाना ड्रेस, बाना बाना, है ना। अभी ना 9 बज गए हैं, 9 बजने वाले हैं, तो मैं काफ़ी देर, आपको पता है हम उठ तो पहले जाते हैं क्योंकि निष्ठा जाती है स्कूल, मैं तब से ये कुल कुल कर रही थी, उठी बहुत देर से हुई, अब सोएगी शायद, तो मैं देखती हूँ उसको सुला लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़ा फैला भी पड़ा है, बिस्तर पड़ा है, इसको उठा लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने थोड़ी सी लिपा पोती कर ली है, जो कि थोड़ी देर में पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए, बच्चों को ही लग जाता है इधर उधर इधर उधर, पता ही नहीं चलता। जल्दी जल्दी देख लिपची क्योंकि मेही बहुत रो रहा है, उसको भूख लग रही है, तो ये ना मेरा। और मैंने आज ना धोया सर, तो मैं अभी उसको फीड नहीं करा सकती हूँ, और मेरे को फटाफट बनाना है उसके लिए कुछ खाने का। तो खाने में क्या बना रही हूँ आज, मैंने बच्चे के लिए देखिए मैं दिखाती मैंने हूँ, अभी गाजर कट की हैं, इनको मैं अच्छे से बॉईल करूँ, फिर इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। मिक्सी में पीस के जो प्यूरी बनेगी वो मैं बच्चों को दूंगी, ताकि बच्चों के लिए कुछ हेल्दी हो जाए। और फ्रेंड्स मैं ये तो देती हूँ, और रात को मैं उनको खिचड़ी खिचड़ी का पानी या दाल चावल का पानी, और ऐसा नहीं है कि पानी मैं सिर्फ पानी निकाल लेती हूँ, नहीं, मैं सिर्फ क्या करती हूँ कि मतलब उसको मैश करके अच्छे से छन्नी से निकालती हूँ। मैं आपको कहाँ दिखाऊंगी, मैं छन्नी से निकालती हूँ ताकि दाल पूरी पिस के अच्छे से निकल जाए, वैसे तो वो पूरी घुल जाती है। तो मैं अच्छे से प्रोटीन विटामिन का बहुत ध्यान रख रही हूँ अपने बच्चों का, क्योंकि अगर अभी नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दिया ढंग का, इसीलिए देना पड़ता, करना पड़ता, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है गाइस, क्या करें, क्योंकि अभी उनको ये बहुत, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसको हम बॉयल होने देते हैं, थोड़ा और पानी ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि मैं तब तक बाल सिखा लूँ, ऐसा ना हो ये जल जाए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ बच्चों के लिए प्यूरी बना ली है गाजर की, अब देखते हैं बच्चे खाते हैं क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसे तो बच्चों को कुछ हेल्दी मिल नहीं पाएगा, इसलिए मैंने सोचा ये प्यूरी बनाते हैं और देते हैं। अगर अभी धूप भी है और ये गर्म भी है, मैं ठंडी नहीं दे रही हूँ, तो उस वजह से देख के देखते हैं, खाएंगे तो थोड़ा टेस्ट पता चलेगा। और अभी मैंने ये चेंज कर लिया, एक्चुअली वो मेरे को अनकम्फर्टेबल हो रहा था तो मैंने चेंज कर लिया, अब अच्छे हो रहे हैं, मैं उनको खिला देती हूँ। एक्चुअली भीख भी ले ही रहा था, बट मैंने उसको जानबूझ के इसलिए कम, इसके लिए कम रख लिया क्योंकि वो मेरे फीड के बिना नहीं रहेगा, क्योंकि उसको काफ़ी देर हो गई है मेरा फीड लिए बिना, तो इस वजह से फिर ओवर हो जाएगा, या तो वो पहले फीड ले चुका होता कुछ घंटों पहले इस वजह से, बट एकदम से वो मेरे, वो अभी भी उसकी आवाज़ आ रही है क्योंकि मेरे फीड के बिना नहीं मानेगा, इस वजह से मैंने उसका थोड़ा सा बचा लिया। बट हाँ बच्चों ने खाया अच्छे से, इंटरेस्ट लेके बच्चों को अच्छा लगा। चलो अब मैं ना कुछ खा लेती हूँ, सुबह सुबह कुछ खाती नहीं हूँ। अभी बंद कर दिया कैमरा के सामने, जैसे ही मैंने ऑन किया बंद कर दिया। अब हाय हाय फोकस, चाहिए देखो आगे को आ रहा है, आगे को आ रहा है क्या बना ले? मम्मा क्या कर रही हो? बेटा क्या कर रही हो? बेटा दादू ना ये मैट लेके आए थे, आपको पता है ना। तो एक्चुअली गाइस ये ना निष्ठा के दादू लाए थे, तो हम इनको छोड़ आए थे उस शॉप पे ना जहाँ दादू रहते हैं ना, वहीं पे शॉप है, तो महंगी सोच के हम छोड़ आए थे कि महंगी दे रहे हैं भैया करके, इससे अच्छा तो ऐसा में मिल जाएगी। बट शॉप वाले ने बताया होगा ना कि आपके बच्चे आए थे और ऐसे ऐसे पसंद ही कर रहे थे, लेकिन छोड़ के चले गए पता नहीं क्यों।
तो देखो हमारे पापा कैसे हैं, मतलब बड़े हमारे कैसे होते हैं, बिल्कुल उनको पता था बच्चे छोड़ आए तो मतलब उनको चाहिए था पैसे से रिलेटेड, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, तो पापा खुद ले आए, देख रहे हो। तो मैं इसको बिछा रही हूँ बहुत मान सम्मान के साथ, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, वरना तो शॉपकीपर ने बोला तो नहीं भी लेते, बट उन्होंने वो हमारे लिए लेके आए। और ये शायद 6 हैं, 3 इसमें हैं, 3 इसमें और 3 मैं बिछा रही हूँ, अभी 4 बिछाऊंगी, तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, बाबू को संभाल लो आप, हैं। तो गाइज ये ना एक्चुअली 6 पीस होते हैं, देखो उस पर भी लिखा है, बट ये ना 5 ही हैं, देखो 1, 2, 3, 4। और नीचे का ना ये बिछा मैंने एक टिशा के लिए बचा दिया है, निष्ठा के लिए, क्योंकि एक्चुअली वो है ना उसके स्कूल में जरूरत पड़ती है। ये देखिए गाइस इस पे भी लिखा है 6 पीसेस, 1, 2, 3, 4, 5। एक और कहा है 6। देखिएगा ये कॉस्टर्स तो 6 है बट मैट्स 5 है। हे गाइस कैसे हैं आप सब, मैं आ चुका हूँ घर पे और अभी नहा धो के आ गया हूँ मैं बाहर। और अभी ना एक्चुअली निष्ठा की मॉम की ना एक कंप्लेंट रहती है, जब भी मैं नहा के आता हूँ ना तो पानी का जो नलका है तो मैं उसको ढंग से बंद नहीं करता, मैं अभी भूल जाता हूँ, मतलब वो ना थोड़ा उसका लूज हो गया तो ना पानी उसमें टप 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 टपकता रहता है। मैं हूं तो सही होकर, तो इनकी कंप्लेंट रहती है हमेशा, इनकी हमेशा कंप्लेंट रहती है कि आप उसको बंद क्यों नहीं करते हो, बंद क्यों नहीं करते हो। तो मैं ना कितना भी याद रखूं नहाते 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 बट मैं ना भूल जाता हूं उसको बंद करके निकलना, तो अभी भी ना देखो वो टप 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 कर रहा है अंदर। पता है नौकर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन रहे हो? हाँ। एक बीवी एक माँ अपने बच्चों की नौकरी होती है, अपने बाल बच्चों की, अपने पति की नौकरी होती है, बट ना यार एक चीज तो कर दिया करो, कम से कम बाथरूम से निकल रहे हो, पता है पानी टप टप, मैंने आपको सिखाया भी था वो कैसे बंद होता है, फिर भी नहीं करते हो आप। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, इनकी बातें को इग्नोर किया जाए और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा। अभी फिलहाल ना अच्छा। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे और ये बना रही है बिस्तर, क्योंकि अभी एक्चुअली यही रूटीन रहता है कि ना बच्चों का, क्योंकि गाइज क्या है ना सुबह सोते हैं ये लोग बच्चे, रात को नहीं सोते हैं ये लोग, सुबह सोते हैं ये लोग, तो इसीलिए निष्ठा की मॉम जो है रात में ही बेड बना लेती है, झाड़ लेती है देखो अच्छे से, ताकि सुबह ना करना पड़े और बच्चों की नींद डिस्टर्ब ना हो। अभी फिलहाल के लिए हमारे तीनों बच्चे यहाँ पे लेटे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, निष्ठा की पढ़ाई भी यहीं चल रही है, मेहक की पढ़ाई भी यहीं चल रही है, मेहका की पढ़ाई भी यहीं चल रही है, सब कुछ यहीं चल रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारे बीच में लेटी है बड़ी दीदी, पढ़ाई कर रही है और दोनों अपने भाई बहनों को भी साथ में पढ़ा रही है। मम्मा इसका हैंकी का है। किसका हैंकी? मीका का। उल्टी करिए क्या इसने, दूध निकाला है, हंसती है, फिर हंसती है ये दूध निकाल के, तो देखो आपकी किताब खा रहा है, कोई दिखा दो। तो गाइस ये देखो अभी तीनों बच्चे हमारे यहाँ पे खेल रहे हैं और इन्हें खेलने देते हैं आराम से। आज कल आपके स्कूल में क्या है? कल मेरे स्कूल में एक क्रिसमस की एक्टिविटी है, उसके लिए शीट्स ले जाने हैं, फोर साइज। टेस्ट तो नहीं बताया आपने कि कल मेरे स्कूल में इंग्लिश का टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है, हिंदी का गधे की छींक का है, मैंने अभी पढ़ ली है थोड़ी सी पोएम, थोड़ी सी मतलब स्टोरी पढ़ ली है, दर्द का इतनी पढ़ ली है, तो भी रोल भी पढ़ सकते हो आप, मत पढ़ो। हां हाँ, और ये देखो मेरा हाँ, उसको दुक्का लगा देना। मेरा कल इस चीज का भी टेस्ट है, वर्ब का है, वर्ब मुझे आते हैं, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस तो मैंने थोड़े से सीख लिए है। तू इसका क्या कर रहे हो? दोनों का अलग हो रहा है। चलो भाई अब ये ना बिचलना शुरू हो गए दोनों हमारे बच्चे, इन दोनों को मैं एक एक करके ना गोदी लेता हूँ और इन्हें संभालता हूँ मैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे बाद में। तो तीन तीन बच्चों को संभालना, बच्चों की मॉम कैसे करती है, इनको हैट्स ऑफ है। मैं तो मतलब कितनी देर मैं संभालता हूँ बच्चों को, मैं तो आता हूँ 8 बजे के बाद तो मैं आता ही हूँ ऑफिस से, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, बट निष्ठा की मॉम तो पूरे दिन संभालती है 24 घंटा, तो चले जाते हो 8 बजे तक, हैट्स ऑफ। वो चली जाती है 7 बजे तक, है ठीक है, बच्चे उठ जाते हैं तभी, कभी कभी दोनों उठ जाते हैं और एक उठता है एक के बाद एक उठता है, जीतू आती है 10 बजे या 10:20, 10:15, 10:10 ऐसे आती है, सोचो दोनों को मैं तब तक संभालती हूँ जब तक जीतू आती है ना, मैं सुला चुकी होती हूँ दोनों को अच्छे से, पता है मेरे को अच्छे से, भीड़ भीड़ करा के बहुत अच्छे से प्यार सुला चुकी है।
इन्हें चैन नहीं है, इन्हें चैन नहीं है, इन्हें चैन नहीं है, इन्हें चैन नहीं है इन्हें। फ्रेंड्स मेहका तो यहाँ पे सो चुकी है हमारी, बट मेहका भी जगा है तो इसी को दे देते हैं फिलहाल। निष्ठा की मॉम ले आई है दाल का पानी है कि दाल खिचड़ी मिक्स है, उसका मिश्रण है मैश करके, मतलब छान के जो जूस निकालते हैं ना वो। तो ये लेके आई है बच्चों के लिए, मेहका भी खा लेगा और मेहका जब उठेगी तब उसको दे देंगे। तो गाइस आप भी कभी दो ना अपने बच्चों को, तो इतना ये होना चाहिए, छन्नी से आप छान लो बिल्कुल मैश कर करके ना, मेन चीज निकल जाती है। पानी पानी देना ठीक नहीं है, तो ये एक प्यूरी टाइप बन जाता है, सूप टाइप। मेन चीज यही होती है। अच्छा है, अच्छा है। और अभी तो गाइस हम लोग अभी डॉक्टर पे विजिट करेंगे, हम मंथ एंड के आसपास मतलब 10-15 दिन बाद हम डॉक्टर पे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि दोनों बच्चों को वैक्सीन आ रहा है, एक वो लगवाना है, तो तब हम डॉक्टर से और भी चीज़ें पूछेंगे उनसे। तो अभी तो हम फिलहाल जो निष्ठा की मॉम अपनी नॉलेज के हिसाब से खिला रही है सब कुछ, बट अभी हम डॉक्टर से ही पूछेंगे, हो सकते हैं वो कुछ दवाई भी ऐड ऑन करेंगे, है ना। तो वो दवाई भी हम खिलाएंगे बच्चों को, और भी खाने में भी कुछ चीजें ऐड ऑन करवाएंगे डॉक्टर। हाँ। तो तब फिर हम अच्छे से प्रॉपर डाइट देंगे बच्चों को। टाइम हो गया ना, तो वो कह रहे थे कि अब से खिलाओ, फिर आप नेक्स्ट पे आओगे तो मैं आपको और चीजें बताऊंगा और क्या क्या खिलाना है। तो अभी तो फिलहाल हम अपनी एज पर आवर नॉलेज हम ये सब चीजें दे रहे हैं उनको, जैसे दाल का पानी और थोड़ा गाजर वगैरह इसका जूस। बट जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तब वो हमें और भी चीजें बताएंगे, तो फिर हम धीरे धीरे वो भी देंगे, है ना।